दार नबी दा मियां आबद तेरा रब राखा तू करे तुबार नबी दा ते सारे जग विच चमक मार दहे हर हर लश्कार नबी दा ते उस दिल नू चीर के सुट दे दिए जिद विच नहीं प्यार नबी दा अल्लाह पाक ने इस कायनात अंदर तीन ऐसिया चीजा पैदा कीतिया ने तो जो भी कोई बंदा किसी नाल प्यार करता है मुहब्बत करता है अकीदत करता है ताल्लुक जोड़ता है रवाबित बढ़ाता है ते इन तिना चीजा नू वेख के ते फिर बंदा किसी नाल ताल्लुक जोड़ता है। नंबर एक बंदा बंदे नाल प्यार करता है किसी बंदे का हुस्न वेख के। क्यों प्यार करना है भाई सोना बड़ा है। नंबर दो बंदा बंदे नाल प्यार करता है किसी बंदे दियां सोहणियां अदावां वेख के। क्यों प्यार करना है भाई तू बड़ा नाम लैना उहदा कहिंदा जी उहदियां अदावां बड़ियां सोहणियां ने बड़ा हंसमुख किसी नाल वादा नहीं करता घाटा नहीं करता मंदा नहीं बोलता घट नहीं टोलदा उच्ची नहीं बोलता। नंबर त्रै बंदा बंदे नाल प्यार करता है किसी बंदे दा उच्चा मुकाम देख के। क्यों प्यार करना है भाई बड़ा तेरा उधर आन जाण है कहिंदा जी वो इलाके दा पीए है एमएनए है जनरल है कर्नल है सदर है वजीर है इंज दे बंदे औखे सौखे वेले कम आते हैं। ऐ वो तीन वजूहात ने जिन्हां दी बिना ते बंदा बंदे नाल प्यार करदा है मुहब्बत करदा है अकीदत करदा है ताल्लुक जोड़दा है। मगर पूरी कायनात फिर के वेख लो तुहानूं पूरी कायनात विच एक बंदा भी इंजदा नहीं लभण लगा कि जिहदे विच ये तीन सिफतां बयक वक्त कठियां मौजूद होवे। रज के सोहना भी है अदावां भी बड़िया प्यारियां होण ते मुकाम भी बड़ा उच्चा होए ये तिन्ने सिफतां इक्को वक्त अंदर किसी एक बंदे च इकट्ठियां हो सकदियां। बोलो बोलो पहले बंदे वेखे ने जिन्हां नूं मैं कहना बोलो कहिंदे नहीं बल्कि कहने तो दो बारी आख्या नहीं 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 बोलता ही जो पर भाई तो अच्छा मैं आख्या भी तिने सिफतां भाई एक वक्त किसी एक बंदे च कठिया हो सकदियां। फर्ज करो किसी बंदे च तीन सिफतां कठिया हो भी जान फिर भी कमाल दर्जे दियां नहीं होंगियां बल्कि वो बिल मिसल हो। असी मिसाल दें असी कहेंगे भी आ बंदा इंज सोहना है जिवें फलाना सोहना है इहदी शकल इहदे वालद ते गई है इहदी शकल इहदी वालदा ते गई है ते जे उहदा अदावां चंगियां ने ते असी कहेंगे यार इह बंदा जदों बोलदा ना ते फलाने बंदे वर्गा लगदा है ए बंदे दे गल करन दा अंदाज फलां बंदे नाल मैच करना। मिसाल दें ते जो एमपीए ते एमपीए केड़ा कोई एक एमएनए ते एमएनए भी बड़े ने सदर ते हर मुल्क दा इक सदर है बल्कि हर जमात दा इक सदर है हर मस्जिद दा इक सदर है हर गली दा इक सदर है सदर तां वाधू है पैर
ते पूरी कायनात मशरक तो लग के मगरब तक, शमाल तो लग के जनूब तक, जमीन तो लग के आसमान तक, अव्वल तो लग के आखिर तक, जाहिर तो लग के बातिन तक, अलिफ तो लग के ये तक, ए तो लग के जी तक, पूरी कायनात विच अल्लाह पाक ने सिर्फ इको हस्ती इनकी बढ़ाई है कि जिन्ना दी सीरत भी बेमिसलो बेमिसाल है, सूरत भी बेमिसलो बेमिसाल है, अजमत भी बेमिसलो बेमिसाल है, आना भी आला, जाना भी आला, रोना भी आला, मुस्कुराना भी आला, फजर भी आला, जहर भी आला, मगरब भी आला, इशा भी आला, तहज्जुद भी आला, नवाफिल भी आला, फराइज भी आला, जन्नत भी आला, खलबत भी आला, जाहिर भी आला, बातिन भी आला, मक्का भी आला, मदीना भी आला, तबूक भी आला, खंदक भी आला, हुनैन भी आला, इको जात अल्लाह पाक ने जी हर चीज आला बनाई है और उस हस्ती मुकद्दस दा नामे नामी इसमें ग्रामी सैयदना व मौलाना व महबूबना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नबी पाक की जात पाक वो जात है कि अल्लाह करीम ने आपको तमाम तर सिफात का मंबा बनाया, मरकज बनाया, और वो खूबी अल्लाह पाक ने जो अपने महबूब को दी वो बदरजा अतम अता की, वो खूबी है ही नहीं जी सोने च मौजूद नहीं है। तीन ही गल्ला ने ना राज के सोना अदावा सोनिया तो मुकाम उच्चा सजलो आप गल सोने तो छेड़ दे अल्लाह पाक ने आप नु किड्डा सोना बनाया, एडा सोना बनाया, इना खूबसूरत बनाया कि सिलसिला हादीस सहीहा की रवायत है, शेख अल्बानी ने उसे नकल किया, नबी करीम फरमाते ने तूबा लिमन रआनी व आमन बी, ओ बंदा जिन्ने हालत ईमान विच मेरे चेहरे दी ज़ियारत कर लिए अल्लाह ने उदे ते जहन्नम दी अग नू हराम कर छड़िया है, यानी जेदा मुखड़ा तकिया बंदा जहन्नम दी अग तो बच वंजे उन्हें सोना ना आखा ते होर ना की आखा। ते अगला जुमला इस तो वड्डा है, फरमाया तूबा लिमन रहा नी वाह मन भी, फरमाया वह तूबा लिमन रहा मन रहा नी, जिन्ने हालत ईमान विच मैनू तकिया उसके लिए खुशखबरी है तूबा, और जिसने जिन्ने ओनू तकिया जिन्ने मैनू तकिया अल्लाह ने ओदे ते भी जहन्नम दी अग नू हराम करता है। सादे लफ्जा च इंज कह लो के जेदे काले रंग दे बिलाल नू बंदा ईमान दी हालत च तक लवे अल्लाह ओनू भी जन्नत दे छड़दा है, इन्ना सोहना बना, इन्ना खूबसूरत बना। हम नसीहत का मुताला किया है, लोगों ने अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ा है, कुछ तो ऐसे हैं जो आपके पास आए, कुछ दिन रहे, इस्लाम की तालीमात पे गौर किया, कलमा पढ़ लिया, तो कुछ ऐसे हैं जो रहते ही आपके इर्द गिर्द थे और आपकी अदाएं देखते रहे, अखलाक से मुतासर होते होते उन्होंने कलमा पढ़ लिया, लेकिन कई बंदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत दे विच इंजदे भी नजर आते ने कि जिन्ना कमली वाले का कलमा पढ़िया किवें आप दी गुफ्तगु सुन के नहीं, आप दे कोल दो चार दिन रह के नहीं, आप दी जबान चो कुरान दी तिलावत सुन के ओ यारो, कईयां बंदियां ने सिर्फ नबी पाक दा मुखड़ा वेख के कलमा पढ़ लिया, अज नबी पाक दा चेहरा वेख्या आप दे चेहरे दी ज़ियारत दी कलमा पढ़ लिया। एक बंदा मेरे सामने इन्हे वेखो भी नबी पाक का कलमा किवें पढ़िया, जरा तवज्जो करना, गौर करना, मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारयां नू उहदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए।
मेरे दुजां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक मक्यों हजरत करके मदीना पाक तशरीफ लेके जा रहे ने और मदीने दे अंदर मेरे पैगंबर दिया मदियां खबरां फैल चुकिया ने। लोग जौक दर जौक मदीना पाक अंदर जमा हुंदे पै ने इस गर्ज नाल वेखी दिसई मुसलमाना दा रहबर है किवें दा मुसलमाना दा पीर है किवें दा। नबी पाक मदीने आ गए मदीने दियां निकियां निकियां बचियां मेरे पैगंबर दे इस्तकबालिया तराने पढ़दियां ने बाहवाला मुस्लिम की कहंदियां ने तला बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रु अलैना मादा लिल्लाही दाई। एदा तर्जमा ही कर लईए असी कुड़िया हां कौमन सार दिया जिंदी जान नबी तो वार दिया असी कुड़िया हां कौमन सार दिया जिंदी जान नबी तो वार दिया। अज जन खुशी दा चढ़िया नी नबी कदम मदीने धरिया नी अज शहर मदीना ठरिया नी बाबा रौन गाहिन बाजार दिया। नबी की हाल होया पे अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना गदरा तेजी वकार और करना दरक अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना गदरा तेजी वकार और करना दरा। नबी पाक अल जला तो दलाम मदीना पाकम दरा गए मदीने दे लोग मेरे पैगंबर दे गिर्द बैठे ने कलमा पढ़ने वाले मेरे पैगंबर दे नेड़े नेड़े बैठे ने ते जिन्ना लोगां ने कलमा नहीं पढ़िया ओ दूर दूर परा परा दूरो दूर मेरे पैगंबर दा दीदार करदे ने वेखदे ने। अल्लाह अल्लाह इन्हां गैर मुस्लिम बंदियां दे अंदर एक बंदा आया नबी पाक अलैहि सलातो सलाम सिर्फ वेखण दी गर्द नाल आया है इंज दूरो खलो के मेरे पैगंबर दा दीदार करदा है दूरो खलो के मेरे पैगंबर दा मुखड़ा तकिया है ते दिल विच ख्याल आया है यार एडे सोहणे मुखड़े वाले नु ते नेड़े बह के वेखना चाहीदा है। दूरो तुड़िया तुरदा तुरदा आहिस्ता आहिस्ता खरामा खरामा रवैदा रवैदा मेरे नबी पाक अलैहि सलाम दे कोल आके बह गया इंज नबी पाक दे सामने बैठा है कुछ देर तक अल्लाह दे पैगंबर दा मुखड़ा तकिया है कुछ देर तक मेरे पैगंबर दे चेहरे दी ज़ियारत करदा है इंज करके अपना हाथ अगे करदा है अर्ज करदा महबूब तली ते तली रख के कलमा पढ़ा लो मुरीद बना लो। कलमा पढ़िया अपने इलाके विच वापस चला गया लोग आखिया अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला कोई आम बंदा भी कलमा पढ़े कलमा पढ़न तो पहला को सवाल करदा है कोई जवाब करदा है वो गल बात करदा है तू चंगा बंदा है इंज गया है इंज कलमा पढ़ के आ गया है विचली गल दस विचली गल की है। वो कहते ने आओ मैं तुहानु विचली गल दसा मैं कलमा पढ़न नहीं सा गया मैं ते तकन गया सा वेखण गया सा मुसलमाना दरा बर है किवें दा ते मैं दूरों वेख्या मेरे दिल विच ख्याल आया
नेड़े बह के वेखना चाहिदा। ते मैं कोल जाके बह गया, आप दी अदाए दिल नवाजी नूं तकिया, आप दे गुले बागूना वर्गे दंदा ने पाक नूं तकिया, आप दा अंदाजे तकल्लुम वेखिया, आप दा अंदाजे तबस्सुम वेखिया, आप दियां कालियां कालियां जुल्फां दे कुंडल तके ने। थोड़ी देर तो बाद मेरे दिल विचों आवाज आई है, लई सभी बाजी हिल कसाब, एडा सोना मुखड़ा किसे झूठे दा हो ही नहीं सकदा, एडा सोना मुखड़ा किसे झूठे दा हो ही नहीं सकदा। अल्लाह पाक ने आपने एडा सोना बनाया, एडा मनमोहना बनाया, एडा खूबसूरत बनाया, एडा प्यारा बनाया। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान दावा हजरत मुद्रम, अल्लाह अल्लाह इस वास्ते ते मैं मोहब्बत नाल किया करना, अल्लाह दी के जमाल आका नूं सारे जग तो हुसीन बना छड़िया, अल्लाह देख जमा लिया। मैं आपसे पूरी तकरीर में इंशाल्लाह ये तकादा नहीं करूंगा कि आप सुभान अल्लाह कहें, ना ये तकादा करूंगा कि आप नारा लगाएं, लेकिन ये मैं जरूर आपसे तकादा करूंगा कि आप अदब से बैठे, क्योंकि ये मेरी महफिल नहीं है, ये रसूलुल्लाह की महफिल है, ये अल्लाह के जिक्र की महफिल है। यहाँ ये आपका बार बार भेजा तबस्सुम, बार बार आपका इधर उधर देखना, ये बिल्कुल अदब के खिलाफ है, ये अच्छा नहीं लग रहा। आप रसूलुल्लाह के दीवाने हैं, आप अपना अपना कदर पहचानिए, अपनी मंजिल पहचानिए, आप कौन लोग हैं, आप रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। रसूलुल्लाह के उम्मती जब रसूल का जिक्र हो तो ऐसे नहीं किया करते, उठ अदब से बैठते। अल्लाह अल्लाह सारे जग तो हुसीन बना छड़िया, जावां सदके मैं हुसने आका तो, जिस शम्स कमर शर्मा छड़िया, जड़िया बुलिया ने मेरी जनाब दिया, जिवें पत्तिया ने सुरख गुलाब दिया, जड़िया बुलिया ने मेरी जनाब दिया, जिवें पत्तिया ने सुरख गुलाब दिया, जिवें पत्तिया ने सुरख गुलाब दिया, सोने बुलिया 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 बुलिया, सोने बुलिया खोलिया जिस वेले, हर पासे चानन ला छड़िया। अल्लाह अल्लाह मैं गुरबा सोना सोना रज के सोना मेरा नबी, अल्लाह अल्लाह मैं गुरबान जावा। हिजरत दे दौरानी दे एक और वाकया सुनिए, नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम उम्मे माबत दे खैमे दे पहुंचे, बीबी कुछ खानू है वे, कुछ नहीं ते असी जंगलां च रहण वाले लोग आ, ते रोटियां दा तेडा रवाज रूज कोई नहीं, अलबत्ता दुध पी के गुजारा करने आ, लेकिन मसला है वे दुध देने वाली बकरियां भी मेरा खामत चराण वास्ते लेके गया है। रुक जाओ, ठहर जाओ, आराम करो, शाम मेरा खामत बकरियां चरा के लेके आएगा, तानू जार जा करके दूध पिलाया जाएगा। पर मैं बीबी इना टाइम नहीं के रुक जाइए, आओ जड़ी बकरी बनी है उदा दूध दो के पिलाओ ना, यो ते दूध दे नहीं सकती। पर मैं कोई गल नहीं, उसी तुहानू जोड़ दी इजाजत दे दे। वो कहती है मैं जदों तुहाडा मुखड़ा वेखनी हां मेरा सदके जान नू दिल करदा है, ते मैं जदों तुहाडी गल सुननी हां मैं परेशान हो जानी हां, मैं कहनी हां दुध दे नहीं सकदी, तुसी कहंदे हो चोण दीआं इजाजतां दे छड्ड। फरमाया बीबी चोण दीआं इजाजतां तू दे छड्ड, बरकतां कायनात दा रब कर छड्डेगा।
इजाजत देना इजाजत लग गई मेरे पैगंबर ने अल्लाह का ना लैके बकरी के थाना हाथ लगाया अल्लाह पाक ने बरकत का नादल कर दिया हजरत अलामा शहीद का जुमला याद आया फरमाते ने अल्लाह दिल बिन जी करके बकरी दे थणा नू हाथ लगाया तेज लगया जिवे बकरी कई साल इंतजार ही इस मेहमान दा पई कर दी है अल्लाह 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 दूध ही दूध हो गया महा जी ने पीता यारे गार ने पीता सरकार ने पीता नबी पाक रवाना हो गया शाम दा टाइम है उम्मे मापद घर वाला बकरियां चरांदा चरांदा अपने घर वाला है ते जदों बंदा ना सारे दिन दा थकिया टुटिया घर आवे ते बंदे दा दिल करदा मैं घरे जाना है आराम करना है थक बड़ा गया वा ते अंदाजा करो उस बंदे दा जिहड़ा अरब दे नुकीले पत्थरां ते बकरियां चरा के आया होवे किन्ना कु थकिया होएगा अल्लाह अल्लाह लेकिन जिवें जिवें उह घर दे नेड़े आंदा जांदा है थकावटां लथ दियां जांदियां ने लगदा जिवें इहदा जनाब जिहड़ा खैमा है इहदे खैमे विच कायनात दियां सारियां खुशबूआं आ गईयां इहदे खैमे दे अंदर कायनात दियां सारियां बरकतां आ गईयां इंज लगदा है जिवें पादे सबा नूं जवानी इहदे खैमे विच आई हुंदी है छेती छेती घर आया और अपनी बेगम नु पुछदा की पुछदा कौन है सी घर अंदर एदा तर्जमा एक शायर जी करदा अपनी बेगम नु कहंदा की कहंदा कौन आया जिदे आया पहाड़ां मुस्कुरा पईयां कौन आया जिदे आया असल च एक गला थोड़ी जी खराबी ता करदा है चाह मंगदा की मंगदा ये चाह मंगदा चाह है ये चाह मंगदा है अल्लाह अल्लाह दे ही देगा चाह कोई अल्लाह ये चाह लब जाएगी या कुछ दूध शुद्ध लब जाएगा विच गुड़ पाया होया होएगा कुछ शायद लभेगी अल्लाह 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 ए कौन आया जिने आया पहाड़ां मुस्कुरा पईयां खिले ने फुल ते कलियां हजारां मुस्कुरा पईयां जिनारा मां तू लग गई सवारी पीर मदनी दी जिनारा मां तू लग गई सवारी पीर नदनी दी और रामाबल कईयां जन्नत फिदावां मुस्कुरा पईयां रामाबल कईयां जन्नत फिदावां मुस्कुरा पईयां बड़ी कमजोर सी डाची सवारी पीर मदनी दी बड़ी कमजोर सी डाची सवारी पीर मदनी दी हलीमा ने जदों फड़ियां मुहारां मुस्कुरा पईयां अल्लाह अल्लाह वे गुरबान दा पुछ रहा है कौन आया सी घर च कौन आया सी रहमतां ते बरकतां ते खुशबूआं ते दुध दी दुध बल्ले बल्ले कौन आया सी ओ कहंदी एक चन जे मुखड़े वाला आया सी ये भी गुनाह हुंदा है एक जिते मुखड़े वाला आया सी के सूरज नालों ज्यादा चमकदार मुखड़ा ओ कहंदी ये भी गुनाह हुंदा है ना दस ना आखे नाम ते मेरे पुछना याद नहीं रहा अच्छा को कबीला कबीला भी पुछना याद नहीं रहा आया किधरों आखे भी पुछना याद नहीं रहा क्या किधर
आखे भी पूछना याद हो गए ना कमाल वाली गल तेरे घर आया रहमत बरकत खुशबुआ लैके आया तू ना ना पुछिया वो कहंदी मैं चुप करना मैं ना भी पुछदी मैं ता भी पुछदी मैं पता भी पुछदी मैं खानदान भी पुछदी मैं कुनबा कबीला बरादरी आन ते जान दी जा भी पुछदी पर जे सच्ची गल मेरे कोले पुछे ना जद मैं ओदा मुखड़ा तकिया बाकी सब कुछ पुछना मैनू याद ही नहीं रहा मैं तो दा मुखड़ा तक ना समझी अज भी कोले ही सुनाई जांदा ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਦ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਸਰਤ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਰ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਜਲਸਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਮਾਇਲ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਕੋ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਲਿਮ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵਾਕਈ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਜੇ ਆਲਿਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਯੂਸਫ ਹੋਇਆ ਯੂਸਫ ਕੌਣ ਯੂਸਫ ਆਇਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਲਿਮ ਕੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਈਏ ਵੀ ਯੂਸਫ ਕੌਣ ਬਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਡੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਤਰੋ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾਲ ਰੁਮਾਲ ਨੇ ਬਣਿਆ ਅੱਡੀ ਦੀ ਲਾਲ ਦਾੜੀ ਅੱਡੀ ਐਨਕ ਲਾਈ ਹੱਥ ਚ ਖੂਡ ਫੜਿਆ ਉਹ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਅਜੱਲੋ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕੱਢੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਇਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਚੁੱਪ ਤੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਡਰਦੇ ਚੁੱਪ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਅੱਕ ਕੇ ਨਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਿਆ ਅਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯੂਸਫ ਹੁਣ ਜੀ ਉਹ ਆਲਿਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯੂਸਫ ਹੈ ਉਹ ਆਲਿਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯੂਸਫ ਤੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੜੋ ਏ ਯੂਸਫ ਜੀ पूरी कोशिश कर रहा समझाने की ना अल्लाह अल्लाह वेखो ना मैं दबके मार रहा इन अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदरा ते दीवा मौलाना इश्माइल तिर्मिजी को किताब हो क्या गजी बिल्कुल इश्माइल तिर्मिजी किताब है इश्माइल तिर्मिजी खोल लो इश्माइल तिर्मिजी दे विच उम्मे माबत दीयां गल्लां कढ़ लो उम्मे माबत ने मेरे पैगंबर दे वजूद पाक दा इक नक्शा बयान कर दिता है आप दे चेहरे दी गल कीती है उम्मे सदके सोना मुखड़ा जग वेखणे दा बुखड़ा वेखां ते मुक जाए दुखड़ा होवे हरा दिल सुखड़ा ठर जाण अखी मेरिया जो सुफलिया ने खेरिया को चेहरे तलवार कहे को तलवार दी तार कहे को बिजली दा लश्कार कहे कोई बदल दा चमकार कहे मैं चन कहां तिन साफ नहीं चन दत अपना ही चेहरा साफ नहीं चन आप भुखा दीद दा भज ला के आवे ईद दा इत चन नु पुछदा कौन है सूरज दी नीवी तौणे ओ जा पुछ लै कपिशी बिलाल नु जिस ਡਿਠਾਈਆ ਮੈਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਅਜ਼ਮਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਬੁਲੰਦੀਏ ਮੁਸਤਫਾ ਜਮਾਲੇ ਮੁਸਤਫਾ ਜਮਾਲੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕਾਰੀ ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਆਬਸਾਦ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ अल्लाह मैं कुर्बान जावा तवज्जो करना कदरा तेरी बकार गौर ओ की कहंदी है उम्मे माबत ने मेरे नबी दे चेहरे दा नक्शा बयान कीता मैं सारा नहीं दसदा शॉर्टकट करके दसनावा ओ कहंदी है मेरे सिर दे साइयां की पुछना है आण वाला मेहमान एडा सोहना सी ओनू मैं दूरों वेखदी सां ते सोहना लगदा सी जे नेड़े जाके वेखदी सां ते बड़ा सोना लगता सी अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा अल्लाह पाक ने आपने एडा सोना बना एक यहूदन मायशा सिद्दीका को आ गई कौन बोलो यहूदन आज कह दिया नहीं ऐसा रजी अल्लाह जेड़ा साडा यूसुफ सी ना जेड़ा साडा यूसुफ भी बड़ा सोना सी
जिहड़ा साडा यूसुफ सी ओ एडा सोहणा सी कि साडे यूसुफ नूं वेख के ते मिस्र दीआं औरतां ने अपनियां उंगलियां कट लईआं सन। तुहाडे कुरान च लिखिआ गल वेख कैसी बनाई है, साडा यूसुफ एडा सोहणा सी कि ओहनूं वेख के मिस्र दीआं औरतां ने अपनियां उंगलियां कट लईआं सन। ते तुहाडे कुरान च लिखिआ है अगो मां आयशा सिद्दीका पता की आख्या, अम्मा फरमांदियां ने नहीं यहूदणे जे साडे कुरान च लिखिआ है इहदा मतलब यूसुफ साडा ही होया ना, जे लिखिआ साडे कुरान च ते फिर यूसुफ साडा ही है। पर कोई गल नहीं, तू गल कीती है ना, मैं तैनूं तेरी गल दा जवाब दिंदी आं। की कहनी है, यूसुफ एडा सोहणा ओनू ढकण वालिया औरतां ने अपनियां उंगलियां कट लईआं। फरमाया नी यहूदणे तेरा यूसुफ एडा सोहणा अलैहि सलातु वस्सलाम ओनू वेख के मिस्र दीआं औरतां उंगलियां कट लईआं, ते मेरा महबूब एडा सोहणा है जिन्ना मेरे नबी नू वेख्या है ओना अपनियां गर्दना कटा छड़ियां ने, उन्हें अपनिया गर्दना घटा दितिया ने। अल्लाह ने एडा सोहना बनाया, अल्लाह ने एडा प्यारा बनाया, अल्लाह पाक ने एडा खूबसूरत बनाया। यारो इत मैं गल्ला होर पिया करना वा, आओ कुरान कोलो पुछने आ, मेरे नबी केडे सोहणे ने। कुरान कहिंदा कद नरा ता कल्लु बाबा जी का बिसमा, कद नरा ता कल्लु बाबा जी का बिसमा, मेरे नबी आसमान वल मुंह करदे ने चाहंदे ने अल्लाह बैतुल्लाह नु किबला बना दे, मक्तस वल मुंह करके नमाज पढ़ते ने लेकिन दिल विच तमन्ना है वे अल्लाह पाक बैतुल्लाह नु किबला बनाए। इंज करके नजरां तां चुकियां मेरे नबी दे मत्थे ते तेवड़ पै जाने, आसमान अल्लाह ने कुरान उतारिया, फरमाया कद नरा ता कल्लु बाबा जी का फिसमा, ऐ मेरिया महबूबा तेरे मत्थे ते पैण वाले तेवड़ वेख के मैं रब किबला ही बदल के रख छड़िया है। हमें आपके चेहरे पर पड़ती हुई सलवटे भी पसंद नहीं, अल्लाह पाक हूँ मेरे महबूब का चेहरा एडा प्यारा है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान दावा ताई ते फकीर ने पूरे पाकिस्तान अंदर पढ़िया है, सोने मुहम्मद वरगा उसनो जमाल कोई नहीं, अल्लाह दी कसमे जगते मिलदी मिसाल कोई नहीं, सोने अच्छा कुछ है आई बाबी अल्लाह 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 आ गई आ गई, घबरा ना टेंशन ना इधर दुध ते नाल 500 रुपये यानी उन्हें आख्या भी दुध है जे ते पत्ती आपे लै के पा लिया जी। अल्लाह अल्लाह सोहणे अल्लाह पाक बरकत दे जी तुहानू सारिआं नू। अल्लाह 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 सोहणे मुहम्मद वरगा सोहणे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली वसलम सोहणे मुहम्मद वरगा उसनु जमाल कोई नहीं, अल्लाह दी कसमे जगते मिलदी मिसाल कोई नहीं, और जगते बहाना आईया रब दा हबीब आया दुखियां बीमारां लईओ बन के तबीब आया, एडियां शाना वाला सोना 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 सोना, एडियां शाना वाला आउणा हुण लाल कोई नहीं, अल्लाह दी कसमे जगते मिलदी मिसाल कोई नहीं, सोना नूरानी मुखड़ा चन्न शर्मावदा उगली ही लाते चन्ने टुकड़े हो जावदा,
ਹੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲਾ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਲਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਜਗ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ 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 ਪਾਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਏਡਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਚਾਪਾਂ ਵੀ ਮੁਕਾ ਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੌਣ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਤੂੰ ਭਾਬੀ ਨਵੀ ਬਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਓਏ ਭਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ 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 ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੌਜੀਕਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੰਦਾ ਪਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਮਸਲਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਥੂਕ ਕਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕ ਪਲੀਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਥੂਕ ਪਲੀਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਨੰਬਰ ਦੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਨਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਸਾਲਣ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਸੜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਲਣ ਖਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸਾਲਣ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਪਸੀਨਾ ਹੈ ਪਾ ਕੇ ਪਲੀਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ ਬੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਬਦਲੇ ਨੇ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਥੂਕ ਪਾ ਕੇ ਮਗਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਇਹ ਵਾਲ ਪਾਕ ਨੇ ਸਿਰ ਦਾੜੀ ਦੇ ਔਰ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਪਾ ਕੇ ਮਗਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਪਰ ਜਿਸ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਉਸ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਵੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਕਲੀਆਂ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਬਰਕਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਏ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਏ ਤੇ ਸ਼ਫਾ ਵੀ ਰੱਖ ਛੱਡੀ ਏ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੂਕ ਵਿੱਚ ਬਬਾਈ ਬਬਾਏ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੁਆਬ ਮੁਬਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਫਾਈ ਸ਼ਫਾਏ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਾ ਸਹਾਬੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਦਰਦ ਬੜੀ ਹੋਵੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਬੂ ਦਰਦ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਠੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਠਾ ਲੁਆਬੇ ਦਾਨ ਕੱਢਿਆ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਲੁਆਬੇ ਦਾਨ ਕੱਢਿਆ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਤਕਲੀਫ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸਹਾਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਲੁਆਬ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੇਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੌਰਨ ਸ਼ਫਾ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਦਾਵਾਂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਸਦਾ ਲਗਾਈਏ ਲੱਭ ਲੱਗਿਆ ਪੀਣਾ ਮੁਕੀਆਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲੱਗਿਆ ਲੱਭ ਲੱਗਿਆ ਪੀਣਾ ਮੁਕੀਆਂ ਨੇ ਇਧਰ ਮੇਰਾ ਲੱਭ ਲੱਗਿਆ ਪੀਣਾ ਮੁਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਓਏ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਓਏ ਭੁੱਖਾਂ ਮੁਕੀਆਂ ਨੇ ਲਸ਼ਕੀਰ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਾਨਾ ਬਦਰ ਮੁਨੀਰ ਵਾਸ਼ਾਨਾ ਬਦਰੇ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਦੇ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਪਗਵਾਰਾ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਪਗਵਾਰਾ ਕੱਲੀ ਮੈਂ ਨੀ ਕਹਿਣਾ ਸਵਾਲ ਲੱਗੋ
मैं ये जरूर कहना गल तवज्जो नाल समझो, जिन्हों समझ आई ओदी जुबान तो आपे निकलना की भला सुभान अल्लाह। गल सुनो अल्लाह ओदी जुत्ती तो मैं पगवारा, कली पग की सारा जगवारा, कली पग की आ कली पग की हाँ कली पग की और कली पग की सारा जगवारा। उन्नियो रिसा शिमा दे वीर दिया वाशाना, ददर मुनीर दिया अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान दावा हजरत दी वकार और करना। अल्लाह पाक ने मेरे नबी नू एडा सोहना बनाया, एडा प्यारा बनाया, ये आप दा हुसन है ते शान की मेरे नबी दा शान सुन लो शान है वे। कुरान पाक अंदर एक सूरत है अल्लाह पाक ने दिया तीन अतां बनाईया ने, तिने दिया तिने मेरे नबी दी अजमत अंदर फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लरब्बिका वन्हर इन्ना शानिया का हुवल लबतर। कुरान पाक अंदर एक सूरत है उदियां अल्लाह पाक ने अठ अतां बनाईया ने, अठे दियां अठ मेरे पैगंबर दी शान अंदर ने की आख्या फरमाया अलम नशरा अल्लाह का सदरा व वज़ना अन का बिदरा अल्लज़ी अन का दहरा व रफ़अना लका ज़िक्रा व रफ़अना लका ज़िक्रा व रफ़अना लका ज़िक्रा व रफ़अना लका ज़िक्रा व इन्ना माल उसरी उसरा इन्ना माल उसरी उसरा व इदा फरगता फरसब व इला रब्दी का फरगब। अल्लाह पाक ने कुराने पाक अंदर एक सूरत नादल की थी उदियां अल्लाह ने यारह अतां बनाईया ने, यारे ही मेरे ने बीदी शान अंदर की आख्या वब्बो आ वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल-आख़िरतु खैरुन लका मिनल अूला वलसौफ़ युतीका रब्बुका फ़तरदा अलम यजिदका यतीमन फ़आवा ववजदका ضَالًّا फ़हदा ववजदका आइलन फ़अग़ना वअम्मल यतीम फला तकहर वअम्मा साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अल्लाह पाक ते फरमांदे ने या अय्युहन नबियु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नजीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। कितनी अल्लाह पाक पाक फरमांदे ने फरमाया बना रहमतल आलमीन। इशान मेरे नबी दा शान भी सोना ते सोना आप भी, शान भी सोना ते सोना आप भी बोलो सोना। कायनात विच इंज दा दूजा सोना है कोई नहीं अल्लाह। मेरा ते अकीदा है, मेरा ते ईमान है, मेरा ते नजरिया है कयामत आ सकती है पर मेरे महबूब जिया दूजा सोना जग ते आ सकदा। अलगर्द बात यही है कि पूरी कायनात विच इको सोना है उदा नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है नबी पाक ने सलाम पूरी कायनात विच सोने जेदा जेदा ईमान है ना इधर मेरा देखो जिदा जिदा ईमान है नबी पाक पूरी कायनात विच सोने ने जरा सज्जा हाथ चुको हमें ज़ियारत कराता है थले करवा। अच्छा नबी पाक पूरी कायनात विच सोने ने तो भाई पक्की गल है। अच्छा ते नबी पाक पूरी कायनात विच सोने ने ते नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दी जुबान विच निकलण वाली गल्लां भी सोहणियां ने कि बोलो।
नबी पाक दी जुबान चो निकल वाली गल्लां भी सोहणियां, गल्लां सोहणियां मरनियां चाहीदियां ने कि छड़नियां चाहीदियां। पक्की गल मैं तुहानूं नबी पाक अलैहिस्सलाम दी सुन्नत दस्सण लगा तीन कि नहीं तीन। ते मैं भी अपने के बाद जिंदर पानी तुसी भी पानी आपा वेखणा भी एक तीन गवै से ते बड़ियां ने लेकिन मैं आज की तकरीर में तीन बयान कर रहा हूं। ठीक है, तवज्जो करना। पहली गल, अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, गदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दराब। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, फरमाया कस्सु शवारिब, अपनी लबी कतराया करो, लबां कटाया करो। आ जिहड़ा होंडेना ए होंड जिहड़ी आ जिहड़ी जगह इथों तक लब आउणी चाहीदी तो थले नहीं आनी चाहीदी। एडिया एडिया वड्डियां मुछां नहीं होणियां चाहीदियां कि बंदे नूं लस्सी पुणन दी लोड़ ही ना पवे। एडिया एडिया वड्डियां भी नहीं होनिया चाहीदियां कि बंदे नूं चाह पुणन दी लोड़ ही ना पवे। एडिया एडिया वड्डियां नहीं होनिया चाहीदियां कि बंदे दा असल नां लोकी भुल जाण, बंदे कहण ओह बंदा किहड़ा बताओ मुछड़ दाड़ियां नु माफ कर दियो। अल्लाह 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 की माना, उस तरह नहीं फराना, सेवती नहीं फरानी, है दाड़ियां ते रंदा नहीं फराना, है दाड़ियां ते उस तरह नहीं फराना, ये जायज नहीं। मैं जानता हूँ इस मसले को, अगर उलमा का इस मामले में इख्तलाफ है कि दाढ़ी की मकदार कितनी है, अल्लाह के नबी से दाढ़ी का एक बाल भी काटना साबित नहीं है, नबी पाक के कौल से, नबी पाक के फेल से। सहाबा में से बाद सहाबा थे जिनसे दाढ़ी का कतराना मिलता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तुसी ते लेट सो, तुसी ते लेट सो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, लेट सो तो फिर लेट जाना सी, लेट के फिर लेट हो जाना सी, फिर दो तीन लेटियां मार लेनी सी। अल्लाह पाक माशाल्लाह, मौलाना अबू बकर साहब तशरीफ ले आए। कोई आ जाओ, रोटी बाद खा ले, दूध मैं लिया, आधा तुम पी लो, तो मैं पी लो, आ जाओ। अब मैं मुकू इधे आओ, मैं बेचे तकरीर छड़ देनी दी जाने। इधर वेखो यार, मैं घंटा तो हुंदा पिया, होर मैं की करा स्टार्ट, तुसी इत्थे केड़ा पर इंजन नूं चक्कर देना स्टार्ट। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, कदरा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाफुल्लुहा, दाड़ियां नूं माफ कर दो, की माना। नबी पाक ने फरमाया उस्तरा नहीं फराना, ते मशीन भी नहीं फरानी, ते दाड़ी ते रंदा भी नहीं फराना। वाफुल्ला, दाड़ियां नूं माफ कर दो, माफ कर दो। मेरे पैगंबर दी हदीस है, केड़े नबी दी हदीस है, जेड़े नबी दा हुण तक तुसीं हुसन सुनिया, जिस नबी दी मैं गल कीती कि नबी पाक कायनात तो सब तो सोहणे ने, तू याद चुकिया क्या बिलकुल सोहणे ने, फिर मैं आख्या उस नबी पाक दियां गल्लां भी सोहणियां ने, तुसीं याद चुकिया क्या बिलकुल सोहणियां ने, फिर मैं आख्या मननियां चाहीदियां ने कि चलनियां चाहीदियां ने, तुसीं आख्या जी बिलकुल मननियां चाहीदियां ने। जे एक कमली वाले दी गल ना होवे ते मैं मुजरम, ते जे गल भी होवे तो मन्ने ना, फिर दस फिर कौन मुजरम। मैं तेनू मुजरम नहीं कहिंदा, क्योंकि मेरा मतलब बयान करना है, मनवाना नहीं, मनवाना अल्लाह के जिम्मे है। मैं ते तेरे सीने ते दस्तक दे के जांदा पिया वा, मैं ते तेनू दस के जांदा पिया वा, कद रब दी अदालत विच मैं कहण जो गाओ जावांगा। कौदा कलीमा, मैं इन्हां बंदियां नूं की ना पिंड
72 फोर वाले मैं ते दसिया सी इना आपे नबी पाक दियां गल्लां नूं सुण आख्या फिर नहीं मन्या ते माला करी मां मेरा ते गुनाह कोई नहीं मैं ते फकीर बंदा आया सां ते मैं ते तेरी नौकरी ते खादमी कर देने नूं गल समझा दित्ती मैं तैनूं गल दस के जांदा पिया वां ओए चन्नो पूरी कायनात में किसी मदद का इसमें इख्तलाफ नहीं है ये बात कन्फर्म है दाढ़ी रखना फर्ज है इख्तलाफ है वो दाढ़ी की मकदार में है कतरवाने में रखने की तो है ही कोई ना ये तो वादी हदीस है दाढ़ी रखना अल्लाह के पैगंबर ने बतलाया है एक बार नहीं बार 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 फरमाया दाढ़ी रखो दाढ़ी रखो दाढ़ी को माफ करो दाढ़ी को बढ़ाओ दाढ़ी को ज्यादा करो बार बार हदीस आ रही है अल्लाह अल्लाह में कुर्बान आज जे बंदे दाढ़ी नहीं रखते शेव करवाते ने उसरा फरांदे ने सेफ्टी फरांदे ने रद्दा फरांदे ने इन्हां को पुछो तुसी दाढ़ी क्यों मनांदे हो दाढ़ी मनाने वाला बंदा दाढ़ी क्यों मनांदा मैं दसना वा क्यों मनांदा है ताकि मैं सोना लगा ताकि मैं पप्पू पप्पू लगा और तो कोई मकसद नहीं दाढ़ी मनाने वाला बंदा आई जांदा मैं पप्पू लगा मैं सोना लगा और तो कोई दूजा मकसद कोई नहीं ते यारो मैंने एक गल ते दसोना जे दाढ़ी मनाण विच उसने फिर मेरे महबूब दे चेहरे ते दाढ़ी आई है पता लगा दाढ़ी रखण विच उसने मनाण विच नहीं ओ लोगो अल्लाह दी जमीन ते सोने बड़े बड़े आए ने पर दो सोने ज दे आए ने एक सोने नु वेख के औरतां उंगलियां कटियां दूजे सिनु नु वेख के ओ लोक अपनियां गर्दना कटा दित्तियां ए दोवे सोने सन दोवे दाढ़ी वाले सन कोई नबी है दाढ़ी के बगैर हजरत आदम दाढ़ी वाले बोलो हजरत आदम हजरत नू हजरत मूसा हजरत ईसा हजरत बकर सिद्दीक सारे सहाबी ते सारे भाभी ले सारे भाभी दाढ़ी तो भाभी भी रद्दा बना देने टिका हूं भाभी थोड़े ने गुलाबी बहुते बने फिर ये कोई बात नहीं है जो भी हो जो अल्लाह के नबी की सुन्नत को नहीं मानता वो जो भी हो मैं तो उसको दावत दूंगा भाई आप दाढ़ी रखो कभी सिखा नु वेखिया जी कि नहीं वेखिया सिखा दियां किड़ियां किड़ियां दाड़ियां ने एडियां एडियां दाड़ियां सिखा दियां पूछो किसी सरदार को सरदार जी दाड़ी क्यों रखी है ओगो कहेगा जी मेरे गुरु ने रखी है मैं ता रखी है साडे नाल तो फिर सिख ही चंगा निकलिया जिहड़ा अपने गुरु दी मनदा है किते को कंध लभे ते आपां टकरा ना मारीए विच नेड़े तेरे को नहर होवे ते डुब ना जाइए पर सिख साडे नाल फिर नंबर लै गया सिख अपने गुरु कई बंदे कहिंदे जी मैं बैंक च कम करना मैं किवें रखां दाड़ी मैं फलां जगह ते जाना हमने दुनिया के बेशुमार प्लेटफॉर्म पर सिखों को देखा एडी एडी दाड़ियां रख के लवे फिर देने बैंक फिर देने मीडिया फिर देने कोई रौला ही हम असल ईमान की कमजोरी है यार असल ईमान की कमजोरी जदों बंदा सोने नाल प्यार पा लवे फिर सिमगत अल्लाह दे रंग च रंगिया जाए फिर चूके चनाचे की होया भाई अल्लाह 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 या अल्लाह मैं बड़ी कोशिश की ना बंदियां दे दिल विच गल पाण दी या अल्लाह बयान करना मेरी जिम्मेदारी है मैं बयान कर दिता है या अल्लाह इन्हां विचों किसे बंदे दे दिल विच गल पा दे या अल्लाह किसे मेरे भरा दे सीने विच गल पा जिहड़ा दाड़ी मनाण वाला होवे अज वादा करे कि अज तो बाद मैं नबी पाक दी सुन्नत ते कदी उसरा नहीं फरावांगा या अल्लाह इन्हां बंदियां जो किसे बंदे दे गल ओ तुसीं आमीन कहना या अल्लाह किसे मेरे भरा नूं तौफीक अता फरमा या अल्लाह जिहड़ा दाड़ी मनांदा होवे पप्पू ते या अल्लाह जो पप्पू दाड़ी रखण दा ऐलान कर दे जी आमीन या अल्लाह जिहड़ा पप्पू अज दाड़ी दा ऐलान कर देवे या अल्लाह ओनू ऐसे साल मक्के ते मदीने दी ज़ियारत करा केड़ा पप्पू है ये भी कोई जरूरी नहीं मैं पप्पू 30-35 साल का आवे 60 साल का पप्पू भी चल जाए 70 साल कई पप्पू 70 साल के भी पप्पू ने भाई बुढ़े बुढ़े बाबे
ਉਹ ਵੀ ਦਾੜੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਣ ਖਰੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਦਾੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਰੇ ਕੀ ਕਰੂਗੇ ਆ ਬੁੱਢੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਲਾ ਜਾਣਦਾ ਦਾੜੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾੜ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿਆ ਵਕਤ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਦਾ ਪੱਪੂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਸੱਠ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੀਹ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਯਾਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਪੂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੋਫੀਕ ਦੇ ਦੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯਾਰ ਨਾ ਯਾਰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਦਾੜੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਾ ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਭਾਈ ਜਾਣ ਦਾ ਯਾਸੀਨ ਵਾਹ ਨਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਇਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਦਾੜੀ ਵਧਾਣਗੇ ਕਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਰ ਪੱਪੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੱਪੂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਪੱਪੂ ਭਰਾ ਯਾਰ ਲਾ ਕੋ ਪੱਪੂ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾੜੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪੱਪੂ ਯਾਰ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਪੂ ਬਰਾਜ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬਾਤ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦੇ ਜੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਬਈ ਕਿਹੜਾ ਪੱਪੂ ਬਰਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਯਾਰ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੇ ਕੋਈ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਚ ਮਾਹਰੂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗ ਦੇ ਪੈ ਯਾਰ ਲੱਗ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੱਪੂ ਭਰਾ ਦੀ ਸੰਗ ਲਾ ਦੇ ਜੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦਾ ਫਰਮਾ ਦੇ ਉੱਚੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਜਾਵੇ ਯਾਰ ਲਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਕਪੂਰ ਰਾਈ ਮੈਂ ਯਾਰ ਲਾ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਗੱਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪੱਪੂ ਅੱਜ ਦਾੜੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਵੇ ਲਾਮਾ ਬੂਟ ਤੇ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹੱਥਾਂ ਚੋ ਉਹਦੇ ਕੌਸਰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਆ ਯਾਰ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪੱਪੂ ਉੱਠੇ ਹੈ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲੋ ਕਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਵਿਖਾਓ ਪੈਰ ਵਿਖਾਓ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਓ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਵੀ ਨੂੰ ਮਈਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਉਹਦਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਭਲਾ ਹੁਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕਬਰ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਏ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਏ ਅਗਰ ਤੂੰ ਦਾੜੀ ਰੱਖੇਗਾ ਮੁਬਾਹਦ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੁਨਤ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕਪਨ ਸਿਰਕੇਗਾ ਤੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਏ ਤੇ ਮਹਬੂਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਏ ਯਾਰ ਲਾ ਪੱਪੂ ਯਾਰ ਲਾ ਕੋ ਪੱਪੂ ਦਾੜੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭਾਈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਦਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅੱਗੋਂ ਤੌਫੀਕ ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਕਦਰ ਆਪ ਤੇ ਜੀਵ ਕਰ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੱਪੂ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪੱਪੂ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲੈ ਸੌਦੀਆ ਚੱਲਾ ਮੋਰਵੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਚੱਲਾ ਯਾਰ ਦਾੜੀ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੱਬਣੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਐਡੀ ਫੱਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਸੌਦੀਆ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅੰਤਾ ਮਤਵਾ ਸਾਰਾ ਮਤਵਾ ਕਹਿਣਾ ਮੁਤਵਾ ਆਲਿਮ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਮੁਤਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਲਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦਾ ਫਰਮਾ ਦੇ
या अल्लाह कोई 60 साल दे पप्पू नूं तौफीक अता फरमा दे। दाड़ी रखण दा ऐलान कर देवे अल्लाह नूं मरण तो पहला पहला ख्वाब विच कमली वाले दा दीदार करवा दे। मेरे कोई दुआ नहीं गल मुक्त हूं मैं नहीं दोबारा कोई गल करनी जिन्हें रखनी है रखो जिन्हें नहीं रखनी मेरे को इस वड्डी दुआ कोई ऐसो अगे मेरे को कुछ नहीं जरा मैं धन्यवाद कर। अच्छा आका दियां जिन्ने अपनाइयां सुन्नतां जन्नत विच आका दे ओ नाल होवेगा साथ जिन्नू सोने दा नसीब हो गया बड़ा उहदा रुतबा कमाल होवेगा सुन्नत रसूल नाल प्यार कर ले ओए सुन्नत रसूल नाल प्यार कर ले प्यार नाल सीना ठंडा ठार कर ले कौसर दा जाम तैनू मिले पीन नू पिलान वाला मिना दा लाल होवेगा। है को बंदा पप्पू कोई पप्पू नहीं लगता सारे यार बड़े बड़े बंदे वेखे पर तुसी बड़े पक्के बंदे एडे पक्के बंदे नहीं वेखे यकीन जानो सच्ची गल पूछो ये दिल की सख्ती है ये साडे ईमान की कमजोरी है। मुझे अच्छी तरह याद है 2-3 साल कबल मैंने एक जगह ये बयान किया 2-3 जगह किया जिथे किया 8-8-10-10 मिनट उठ के दाड़ी का ऐलान कर दिया। असल विच ना साडे ईमान ही बड़े कमजोर हो गए साडे अजी अवे वेले ही मुसलमान आ लेकिन असी फूक मारते ही रहने अल्लाह ने ड्यूटी जो लाई है साडी ते असी इत्तमामे हुज्जत करते रहने ताकि क्यामत वाले दिन अल्लाह साडे कोल पुछे ना या अल्लाह अल्लाह सोणिया तू गवाह हो जा मैं इस मजमे दे अंदर तेरे महबूब दी हदीस पढ़ के सुनाइए इन्हां दे दिल च उतारना तेरी मर्जी है नहीं किसे दे दिल च उतरी या अल्लाह मेरे सिरों भार लत गया है मैं क्यामत वाले दिन अल्लाह पाक की अदालत के अंदर मुजरम नहीं होवांगा। हुण सुनो दूसरी गल नबी पाक अलैहिस्सलातो सलाम ने फरमाया आका फरमांदे ने अल्लाह पाक ने मैनू आलाते मौसीकी खत्म करने वास्ते भेजा मैं दुनिया ते आया ताकि आलाते मौसीकी मकावां तबला सुरंगा बाजी चिमटे ढोल नाचण वालियां गाण वालियां ते खुसरे ते जनाबे कजरियां ते कंजर ए ढूम गाण वाले ए आलाते मौसीकी नूं नबी पाक मुकाण आए ने खत्म करना आए ने। मेरे पैगंबर ने एक दफा तैसरी की आवाज सुन के मेरे नबी ने अपने कानों में उंगलियां ली पर मैं आवाज सुनना नहीं चाहता पता लगा नबी पाक म्यूजिक पसंद नहीं कर दे मेरे पैगंबर लाते मौसीकी खत्म करना है इतने किन्ने भरा देखने गाने सुन वाले मैं हूं डर गया वा मैं तुहानू खड़ा नहीं कराना चाहता क्योंकि तुसी बंदे बड़े ऐसा नौजवान दे देखो ना कई नौजवान ने व्याह करवांदे ने ते बैंड बाजा बजांदे ने व्याह करांदे ने ढोल बजांदे ने व्याह करांदे ने रस्मेहना ते कजरियां नचांदे ने या अल्लाह इस मजमे विच मेरे एक नौजवान चाहिदा जिहड़ा कवारा होए जिहदा अज व्याह ना होया होए अज वादा करे मेरा जो व्याह होएगा मैं व्याह ते बैंड बाजा नहीं वजावांगा तबला ते सुरंगी नहीं वजावांगा ते मैं रस्मेहना ते कजरियां नहीं नचावांगा बल्कि रस्मेहना ते जलसा करावांगा हजरत मौलाना लामा बिन्यामीन नूं बुलावांगा नाल नाल कंपनी दी मशहूरी भी हो जाए माशाल्लाह माशाल्लाह भाई जान अल्लाह ये तो साडे रंगा साडी पार्टी दा ही बंदा है अल्लाह पाक बरकत दे मेरे भाई जान एक होर मेरा भाई जी है
असा एक बार ये दो बंदे पता क्यों उठे ने इसलिए उठे ने भी बिच को वालदैन बैठे उठते कहने वो साडा ख्याल करो सानू भरना जेड़ा विआह नेड़े इन्हां दे विआह हजे दूर ने थोड़े थोड़े दूर कोई एक नौजवान जिहदा अज विआह ने बस नेड़े ही लगा खड़ा होया इंज दा नौजवान कोई एक खलोवेगा पांच साल इंज दा नौजवान है दस इन कब्रस्तान छड़ के आया वो पहले वो तो ले फिर विआह भी करा लेंगे इंशाल्लाह पुत्र जवान चाहिए जवान मुंडा ए जेडे मेरे दो भाई ने इन्हों की गल भी अल्लाह पाक इन्हों को बरकत दे मैं कहने जब विआह नेड़े ही लगा खड़ा होवे कोई तो नौजवान अच्छा लो जी आप आ जाए खड़ा हो ना भाई जान अदना ला जी मेरा भरा इन वेख लो सारे ये विआह जो विआह करावे ना ते जे कुछ करे इंजदा ते मेनू दस्या जी ए तो विआह होना इंशाल्लाह रस्मे ना होनी है रस्मे ना ते मैं तकरीर कर रही हूं मैं वादा पूरा कर रही हूं ठीक है ना जी आखिरी गल सुनो अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदरा ते जीवकार गौर कर दे जाना दरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया याद करवा देंदा तेरा दिल कर यार चुस्की लैके अलियास मदनी खा का भतीजा क्या बात ते तू दाड़ी क्यों नहीं रखी है किथे रखी अंदर रखी सी एडी निकी निकी वड्डी कर दाड़ी है अलियास मदनी खा का भतीजा बैठा है ते दाड़ी क्यों नहीं वादा कर दाड़ी रखे ओ मौलविया ने सजे खबे तो दाड़ियां रखनिया चाहिए ना यार अल्लाह पाक बरकत की रहा मेरे भरा दा अरफान अल्लाह पाक मेरे भरा अरफान ने भी दाड़ी रखने की तफी किताब व्याह होया कोई ना दो बेटे ने माशा अल्लाह पाक उसे अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदरा ते दी वकार आखरी गल सुनो नबी पाक रिदलाम फरमाते ने रिजर रब्बी फी रिजल वालिद व सखत रब्बी फी सखत वालिद फरमाया जेदे ते मां बाप नाराज ने ओदे ते अर्श वाला रब भी नाराज है अगे मैं बंदे खड़े करदा रिया वा हुण ना घबराओ हुण सिर थले ना करो हुण मैं तुहानू खड़ा नहीं करना क्यों नहीं करना क्योंकि जिहड़ा बंदा मां बाप नू नाराज करदा एडा नैशे ना मैं वेखना चाहना ना तुहानू विखाना चाहना जिहड़ा बंदा मां बाप नू तंग करदा मां बाप जिहदे ते नाराज ने एडा मनहूस है ना मैं वेखना चाहना मैं तुहानू विखाना चाहना मैं ओहनू कहना चाहना है चन्ना ओए अपने मां बाप नू राजी कर लै मां बाप नू राजी कर लै ते मैं सारिआं तुहानू दावत देना चाहना वा जिन्ना जिन्ना दे मां बाप जिंदा ने यारो अपने मां बाप नू तंग ना करिया करो परेशान ना करिया करो बल्कि मैं गल इस तो अगली गल करा अपने मां बाप अगे उच्ची भी ना बोलिया करो हौली बोलिया करो क्यों भला मां बाप अगे उच्ची नहीं बोलना क्यों क्योंकि बंदे गोलियां नाल मरदे ने मां बाप औलाद दे तानिया नाल मरदे ने मां बाप औलाद दे तानिया नाल मरदे ने मां बाप औलाद दीआं झिड़कां नाल मरदे ने मां बाप जदों तू अपने पुत्र अपने अब्बे नूं कहना चुप कर ये तेरी जबान चो गल नहीं निकली एक कारतूस निकलिया जिहड़ा तेरे अब्बे दे सीने विच हार्ट अटैक करके वज गया जदों तू अपनी अम्मी नूं कहना है अम्मी खप ना पाया कर ये तेरी जबान चो गल नहीं निकली ये गोली निकली है जे तेरी मां दे सीने विच टीवी करके वज गई है मां बाप अगे कदी बंदा उच्चा ना बोले मां बाप अगे कदी बंदा बुलंद आवाज नाल ना बोले हौली बोलिया कर अदब नाल बोलिया मेरे बंदा कहिंदा बोला ना मेरा बाप ते शराबी है मेरा बाप ते जानी है मैं ओहदा वी अदब करा मैं कहा हां तेरा बाप शराबी होवे भावे तेरा बाप जानी होवे भावे तेरा बाप गुनाहगार होवे हत्ता के किसे दा बाप काफर भी होवे ओहदा भी अदब करना जरूरी है गल ना मन अपने बाप दी गल रब दी मन गल रब दे रसूल दी मन लेकिन अदब करना है अपने मां बाप दा अदब जरूरी है अपने मां बाप दा मां बाप दे अदब तो बगैर कोई हाल नहीं अदब करिया करो मां बाप दा हाय उम्र दराजी दा तैनू रात मैं दस जावां
बाबा तेनू राजी कर तेरिया बद जाने ओ सावा इस गल नू भुलावी ना मां नू रुलावी ना जे बाप दुआ करे दे तेरिया टल जान बनावा बड़ा सोना यो बेड़ा है जिते मां बाप दा डेरा है उस वेड़ी चिरे दिया ने सदा गुड़िया छावा आयो मर दराजी दा तेनू रात में दस जावा मां बाप नू राजी कर तेरिया बद जाने ओ सावा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. सारे जग दे मुअल्लिम मेरे मुस्तफा जिन्ना पत्थरां नू कलमा पड़ा छोड़े रब दी जन्नत नू रस्ता है जानदा केड़ा साडे मुर्शद ने सानू वखा छोड़े ओ दी तालीम दा है असर दोस्तों ए जो सिद्दीक बने अबू बकर दोस्तों सारा कुनबा कबीला दीदी नारो दर सुने मदनी तो उसने लुटा छोड़े रब दी जन्नत नू रस्ता है जानदा केड़ा साडे मुर्शद ने सानू वखा छोड़े माशाल्लाह ये थे बुलबुले कुरान वाइज श्री बयान महबूब अवाम हजरत मौलाना कारी बिन्यामीन आबद साहब. इंतजार की घड़ियां खत्म. इन अशार के साथ मैं कारी साहब को दावत देता हूँ. दिलों का तराना सहाबा सहाबा सदा आशिकाना सहाबा सहाबा
उदुवे नबी के है मुंह पे तमाचा, मुकद्दस घराना सहाबा सहाबा, निगाहे नबी बारगाहे इला में, अमल नाफे आना सहाबा सहाबा, सादत तो देखो निगाहे नबी का, है पहला निशाना सहाबा सहाबा, इशारा अबरुए आका पे कर गए, फिदा कुल घराना सहाबा सहाबा, अगर चाहते हो के बच्चे वली हो तो इनको पढ़ाना सहाबा सहाबा, नसीहत नसीहत है बच्चों को अपने, वजीफा सिखाना सहाबा सहाबा, जरा काम बेदार हो जाए शाकिर, कहेगा जमाना सहाबा सहाबा। बिला ताखीर खिताब के लिए दावत देता हूँ खतीबे पाकिस्तान महबूबे अवाम हजरत मौलाना कारी अबू बकर सदीक मुआविया साहब के वो स्टेज पे आए और कुरान और सुन्नत की रोशनी में वाज़ो नसीहत फरमाएं। मोहतरम जनाब कारी अबू बकर सदीक मुआविया साहब। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوس والرجال قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي
ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله يا سرا الله يا سرا کل جہان دا اللہ دی آسرے تے ماں حسین دی جنہ دا آسرا اللہ سجا چکے کو وہ سبحان اللہ اللہ ہی آسرا کل جہان دا اللہ دی آسرے تے ماں حسین دی نبی رہنما کل جہان دا نبی دے دل دا چین ماں حسین دی خدیجہ عائشہ تے حفصہ ماریا حبیبہ عائشہ تے زینب ماریا انا دی اکھ دا چین ماں حسین دی جنہ دیا ماواں دا ذکر ہویا دوویں ہاتھ بلند کر کے کہو سبحان اللہ عزتوں مل دی جنوں رب چایا تاوی ماں زہرا دی کیا نی کہنی جنوں نبی خود کھڑاوے عزتوں مل دی جنوں رب چایا تاوی ماں زہرا دے کیا نے کہنی جنوں نبی خود کھڑاوے جندا بابا نبی جندا بابا نبی جندا شوہر علی او ایسی با حیا ہے ماں حسین دی اللہ ہی آسرا جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا تے جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جدین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے تا پھر سچ زمین تے نہیں آیا جڑا ابو بکر نو پہلا من دا ایمانی غیرت نا سینے دا زور لا کے سجا چکے کہو سبحان اللہ نبیوں کے بعد بندوں میں افضل ترین ہے سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے وہ یار غار بھی ہے رفیق مزار بھی فیضان اس کی ذات وفا کی امین ہے بڑے لوکاں پیار دے دعوے کیتے صدیق دا پیار کمالے لوکو یار غار والی لوکی دین دے راسن مثالے پیاں دھما صدیق دے پیار دیا دیتا گھر دا سارا مالے ہے پختہ اتنا سنگت دا
सुता अज भी हुजूर दे नाले। हिजरत की रात ही न सिर्फ हम सफर रहे, सिद्दीक हमारी काबिन भी उम्र भर रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ रहे जिंदगी में साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ रहे जिंदगी में साथ, अब भी वो उनके साथ है मद्दे नजर रहे। तमाम किस्म दी हमदो सना उस अल्लाह वहदहु ला शरीक दी जाते अकदस व आला व बाला वास्ते, जो कुल कायनात दाता मुश्किल कुशा, हाजत रवा गौसे आजम दस्तगीर अला कुल्ली शैइन कदीर, अनगिनत ला तादाद बेहद्दो हिसाब दरूद व सलाम आकैदो जहां सरवरी कायनात मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात वास्ता। जिस बंदे नबी पाक का नाम सुन के दरूद नहीं पढ़ना इतने बैठने का फायदा कोई नहीं। नबी पाक फरमाते ने जेड़ा बंदा मेरा नाम सुन के दरूद नहीं पढ़ता ऐसा बंदा लानती है, कंजूस है, बखील है, ऐसे बंदे की दुनिया और आखिरत बर्बाद है। ठीक है, एक मरतबा दरूद पढ़ दे अल्लाह दस रहमत दस नेकियां दस गुना माफ ते जन्नत विच दस दर्जे बुलंद कर दे। फरमाया जेड़ा बंदा कसरत नाल मेरे ते दरूद पढ़े अल्लाह जिंदगी दियां सारियां परेशानियां भी दूर कर दे ते अल्लाह सारे गुनाह भी माफ फरमा दिंदा। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने जेड़ा सुबह और शाम मेरे ते दस दस मरतबा दरूद पढ़ दे मैं अल्लाह दा सच्चा नबी वादा करना कयामत वाले दिन उंदी सिफारिश कर देंगा। करानी है सिफारिश इंशाल्लाह अल्लाह की रज़ा वास्ते। थोड़े थोड़े नेड़े आओ, भला आ जाओ जिन्हां नूं अल्लाह दे रसूल नाल नबी पाक दे सहाबा नाल प्यार है थोड़ा थोड़ा करीब आ जाओ, तुहाड़ी ज़ियारत हो जाए। आ जाओ नेड़े आ जाओ, कुछ नहीं होता। हाँ जी, शफात करवानी इंशाल्लाह, जरा सज्जा चुके ज़ियारत करवाओ जिन्हें शफात करानी है, सारिया करवानी है, वेलियां ही करवानी है, कुछ करके करवानी करके ते फिर अल्लाह नाल वादा कर लो। अज अल्लाह आसमान ने दुनिया ते ने अल्लाह जब तक जिंदा रहांगे इंशाअल्लाह सुबह और शाम दस दस मरतबा नबी पाक दे दुरूद लाजमी पढ़िया करांगे। करते वादा इंशाअल्लाह, सज्जा चुके ज़ियारत कराओ हां जेडे इथो वादा कर रहे हो दिनो इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद भी मुकम्मल दुरूद है। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद मसनून दुरूद है। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम ए भी दुरूद है। अपनी ताकत के मुताबिक पढ़ो पर मसनून पढ़ना इंशाअल्लाह। अल्लाह दे शुक्र तो बाद मैं शुक्र गुजार हाँ अपने मोहतरम मुकर्रम बड़े भाई हाफज मोहम्मद वसीम वट्टू साहब हाफिज़हुल्लाह ताला भाई मोहम्मद नईम वट्टू साहब और उन्होंने रूफाका आप अहबाब पर्दे अंदर बैठन वालिया मुआज़ज़ात सौन वाले मूवी वाले भाई अल्लाह तमाम दी नेकी अपनी बारगाह अंदर कबूल करके साड़ी जिंदगी दे पिछले सगीरा कबीरा सारे गुनाह मुआफ फरमा दे। मेरे जिम्मे मेरे मोहतरम भाई मौजू लगाया है अजमत वालिदैन, यकीनन बड़ा ही हसास मौजू है और बड़ा ही कीमती मौजू है। नबी मोहतरम फरमाते ने लोगों अल्लाह उस बंदे नू जन्नत की खुशबू भी नहीं देगा जेड़ा बंदा अपने वालिदैन का ना फरमान होया। और कुरान पढ़ो अल्लाह ने अम्मी अबे का जिक्र उथे कीता है जिथे अल्लाह अपनी इबादत का जिक्र कीता है। अल्लाह जी कुरान दे तीन पारियां जिथे मर्दी वालिदैन का जिक्र कर लेंगे अपनी इबादत के हुक्म तो बाद अल्लाह दसना चाह रहे ने कि जिवें मेरी इबादत तो बगैर गुजारा नहीं इवें अम्मी अब्बे दा अदब करन तो बगैर भी गुजारा।
दुनिया ते लैन की आया वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदू। फरमाया जेड़े काम वास्ते तुहानू पैदा कीता है ना उस काम तो बाद अफजल तरीन काम आला तरीन काम अपने मां बाप नाल नेकी करना है। कर ये कुरान फरमा रहे सन ना बाप काफर बाप मुशरक भी हो गए बुत परस्त हो गए सिर्फ बुत परस्त ना हो बुत अपने हाथों नाल बनाने वाला भी हो फिर भी अब्बे नूं ए करके नहीं बुलाना। दुनियावी मामलात अंदर बाप की गल भी मननी है और उनका अदब भी करना। अल्लाह फरमाते ने लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना लोगो अल्लाह ने सारी कायनात का नमूना बनाया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू ते मेरे नबी का नमूना अल्लाह ने नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू बनाया। कहो सुभान अल्लाह। इब्राहिम का उसवा की बाप ने सिर फाड़े गिरेबान तो पकड़े मारे घरों कटे मां तो दूर कर दिता रिश्तेदारों तो दूर कर दिता है नमरूद ना रल के अग विच सुट दिता है। इब्राहिम अग चो बाहर आके भी आंदा या आबाती अब्बा जी को सुभान अल्लाह। इथे ते अब्बा एक इंच का घाटा वादा कर देना असी अब्बे नूं जिउंदे जन्म च सुट देने इन्हें नान साफी की थी, ये पता नहीं मैं है वहां की वेखो जी सारा कुछ वड्डे नूं दे छड़िया फ्रेंड ओहदे नाल आतम मेरे मेरे को की बचे कायनात वालो अल्लाह की कसम वाले दैन जिसम के दो टुकड़े करके तेल विच सुट देन असी उन्हां दी मुहब्बत और प्यार का हक नहीं अदा कर सकते। एवं नहीं अल्लाह कुरान च कहिंदा रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा अल्लाह दुआ सिखला रहे ने वकुल रब्बि रहमहुमा अल्लाह मेरे अम्मी अबू ते उंज रहम कर जिवें छोटियां हुंदियां मेरे ते करदे आए। दुआ पढ़ता जा अल्लाह जिंदगी च तेनू कदी किसे दा मोहताज नहीं करेगा और गौर करता जा कि अम्मी अब्बा किवें प्यार करते सन हर बंदे नूं पता है। आइए जरा गौर कीजिए मां और बाप दोवां दा रुतबा अल्लाह ने बुलंद बनाया। पूछण वाले पूछिया महबूब जी मुकाम फरमाया उम्मू का अबू का तीन हिस्से मां दा ते चौथा हिस्सा बाप दा। पर याद रखने 74 वाले हो सहीवाल वाले हो मां दा रुतबा ज्यादा जरूर है पर बाप पहले वे। कुछ बोलो बाप पहले नहीं बोलते बाप पहले आदम पहले वे ते हवा बाद अंदर आदम पहले हवा बाद अंदर बाप पहले। कई मां नूं संभाल के बैठे ने भी जन्नत मेरे कोल है बदबख्ता जन्नत जाना किवें कंध टप के ये कोई सुरंग बनाई हुई है ये रब की जन्नत है डंडी नहीं बजनी अगो डंडे बजने नहीं दरवाजे थानी जाना पैना ते फरमाया तेरा बाप तेरी जन्नत का दरमियानी दरवाजा है मेन गेट। जो मेन गेट ही बंद हो गया तो जन्नत किवें बढ़ांगे घूमता फिरी फिर जन्नत आले दुआली। अल्लाह 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 मैं कुर्बान जावा हजरते दी वकार दरा गौर करो हजरते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़ने वालो अल्लाह दे नबी पाक नाल प्यार करने वालो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया बीविया नू मामा मनने वालो असहाबे पैगंबर अहले बेत नाल अकीदत रखने वालो मुसलमानो रब्बे कायनात दा कुरान अल्लाह फरमा दे ने वकदा रब्बो
का अल्लाह ताबुदो इल्लाहु वबिल वालिदैन एहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबारा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फ वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह फरमांदे ने मुसलमानों वकजा रब्बुका इबादत करनी है अल्लाह दी उची बोलो इबादत किंदी करनी है। बुजुर्गों नु छुट्टी है जवानो जरा ईमानी गैरत ना सज्जा चुके बोलो इबादत किंदी करनी है अल्लाह दी करनी है अल्लाह दी। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका तमाम कोली फेली इबादत अल्लाह वास्ते। मुसलमानों अल्लाह नजरो नियाज भी अल्लाह दे नाम दी कयाम भी अल्लाह वास्ते रुकू भी अल्लाह वास्ते सजदा भी अल्लाह वास्ते अत्तहियात भी अल्लाह वास्ते हत्ता के तेरा जीना भी अल्लाह वास्ते तेरा मरना भी अल्लाह वास्ते। अल्लाह फरमाते ने कुल इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुसलमानों गल दूर चली जाएगी अल्लाह फरमाते ने इबादत सिर्फ एक अल्लाह दी उची बोलो इबादत सिर्फ एक अल्लाह दी एक अल्लाह दी इबादत सिर्फ एक अल्लाह दी करनी है। अल्लाह हु अकबर अल्लाह सही वाल वाले अल्लाह ने अपनी इबादत दे हुक्म तो फौरन बाद मां बाप दी खिदमत दा आर्डर दिता मां बाप दे अदब दा आर्डर दिता मां बाप दी कदर दा आर्डर दिता। अल्लाह फरमांदे ने वकाजा रब्बुका अल्लाह ताबुदु इल्ला इयाहु वबिल वालिदैन एहसाना। फरमाया लोगो मेरी इबादत तो बाद करने वाला मेन काम अपनी मां नाल प्यार करना है अपने बाप नाल प्यार करना है अपने वालिदैन ते शफकत करनी है अपने वालिदैन दा अदब करना है अपने वालिदैन दा इहतराम करना है अपने वालिदैन ते नेकी करनी है नरमी करनी है। अल्लाह दी कदों करनी है फरमाया कि मा या बलुगन्ना इल्तकल किबारा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा। अल्लाह फरमांदे ने लोगो जदों तेरी मां मंजी नाल मंजी हो जावे जदों तेरा बाप मंजी नाल मंजी हो जावे जदों तुरया नहीं जांदा जदों बाप कोल उठया नहीं जांदा जदों पेशाब पखाने दी हाजत भी खुद पूरी नहीं कीती जांदी विचे पेशाब पखाना चार पाई ते पेशाब पखाना यानी बाल देण बुड्ढे हो गए ने। अल्लाह फरमांदे ने एक मिल जाए जे दो मिल जाण ते अल्लाह दीआं रहमतां साईवाल वाले अल्लाह फरमाने ने इम्मा यबलुगन्ना इल्तकल किबारा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। फरमाया लोगो अपने वालिदैन नु चिड़का नहीं मारनिया उच्ची आवाज नाल गुफ्तगु नहीं करनी अपने मां बाप नु अखां नहीं करनिया वालिदैन दे सामने सीना चौड़ा नहीं करना अदब दियां चालां चलनियां ने नरम गुफ्तगु करनी है अखां नीवियां रखनियां ने बड़ी मुहब्बत और प्यार नाल मिठियां मिठियां गल्लां करनियां ने वकुल्लाहुमा कौलन करीमा। अल्लाह फरमांदे ने जदों भी गल करनी है मिठी जुबान नाल करनी है जदों भी गल करनी है नरम जुबान नाल करनी है जदों भी गल करनी है अदब दे लहजे अंदर रह के करनी है। अल्लाह फरमांदे ने फला तकुल लहुमा उफ्फ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह फरमांदे ने मुसलमानों अपने वालिदैन नु चिड़का मारनिया ते दूर गाली गलोच करना ते दूर धक्के मारना ते दूर वालिदैन सामने उची बोलना ते दूर अखां कढ़निया ते दूर वालिदैन दीआं गीबतां चुगलियां करनिया ते दूर वाले कहन दिया अल्लाह हु अकबर लोगों सामने शिकायत करनिया ते दूर ने।
अल्लाह फरमांदे ने मैं तेनु उफ कहण दी इजाजत भी नहीं दूंगा। उफ़ वाला तन हर हुमा व कुल्लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह जी करना किए करना किए, फरमाया जदों भी गल करी चंगी करी, जदों भी गल करी मिठी करी। अल्लाह जी अगे की करना है, फरमाया वाखफिज अल्लाहुमा जना हज़ुल मिनर रहमा व कुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह फरमांदे ने अपने बाजू खोल देने ने। अल्लाह किन्ना वास्ते? फरमाया अपने वालिदैन वास्ते। ऐ बाजू खोल देने ने सीना। लोकां दे मां प्यो नूं जफियां पाण वाले हो, कदी बुढ़ी मां नूं भी सीने लाया जे, कदी बुढ़े बाप नूं भी सीने लाया जे। लोकां दियां मावां नूं आंटी जी आपी जी कह के बुलाण वाले हो, कदी अपनी मां नूं अम्मा जी कह के बुलाया। लोकां दे अब्बां नूं अंकल जी चाचू जी कह के बुलाण वाले हो, कदी अपने बाप नूं अबू जी कह के बुलाया। अल्लाह की कसम, तेरा बाप तेरे पैसों का भुखा नहीं, तेरा बाप तेरिया गड्डिया का भुखा नहीं, तेरा बाप तेरिया नौकरिया का भुखा नहीं, तेरा बाप फल का भुखा नहीं, तेरा बाप तेरी रोटी का भुखा नहीं, तेरा बाप ते तेरी मां तेरे मिठे बोलां दे भुखे ने। जदों मिठी जुबान नाल कहने अप्पा जी अम्मी जी, अल्लाह दी कसमें ठंड पै जांदी है, वालिदैन दे सीने ठर जांदे ने, बीमारियां दूर हो जांदियां ने, परेशानियां खत्म हो जांदियां ने। ओए कायनात वाले अल्लाह सबक दे रहे ने, फरमाया वाखफिज अल्लाहुम्मा जना हज़ुल मिनर रहमा व कुल रब्बिर नुकसान करता रहा, मेरे वालिदैन पूरा करते रहे, लोकी उलामे देंदे रहे, मेरे वालिदैन सच झूठ बोल के मेरी इज्जत नूं बरकरार रखते रहे। अल्लाह सुनिया, मेरे वालिदैन ने मेरी जवानी बनाने वास्ते अपनी जवानी नूं बुढ़ापे दे अंदर डाल लिया। अल्लाह अज उंज रहम फरमा जिवें छोटियां हुंदियां मेरे ते रहम करदे सन। अल्लाह मेरे मां बाप के गुनाह माफ कर दे, अल्लाह मेरे मां बाप दियां नेकियां कबूल कर ले, मेरे वालिदैन नूं पंज टाइम दा नमाजी बना दे। अल्लाह मेरे वालिदैन दियां बीमारियां दूर कर दे, अल्लाह मेरे वालिदैन दियां परेशानियां दूर कर दे, अल्लाह मेरे वालिदैन दिया मुसीबतां दूर कर दे। अल्लाह मेरे वालिदैन नूं अपना वली बना ले, अल्लाह मेरे वालिदैन नूं तहज्जुद गुजार बना दे, मेरी मां नूं मेरे बाप नूं जिक्र करन वाली जुबान दे दे, अल्लाह मेरे बाप नूं अपने सामने रोण वालियां अखां दे दे। अल्लाह मेरे वालिदैन नूं अद्धी रात नूं उठ के तेनूं मनाण दी तौफीक दे दे। ओए मुसलमानो, रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अपने ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਖਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮੌਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਅੱਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੇਵੇ, ਸਜਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦੇਵੇ, ਇਹਰਾਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦੇਵੇ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੇਵੇ, ਨਬੀ ਦੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮੌਤ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਬਰ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਕਬਰ ਠੰਡੀ ਕਰ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਕਬਰ ਚ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਨਸੀਬ ਕਰ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਜੰਨਤ ਵੱਲੋਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਫਿਰਦੌਸ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਦੇ ਖਾਦਮਾ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈ, ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀਆਂ ਖਾਦਮਾ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈ, ਅੰਮੀ ਐਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ।
खराब वो खराब है इन करो कोई गल नहीं। अच्छा बस ठीक है अपनी आवाज ठीक होनी चाहिए। हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहो सिर्फ दुनिया के फल ले आके दुध ले आके नवे कपड़े पवा के नवी जुत्ती पवा के 10-15 मिनट टाइम दे के ये खिदमत नहीं। मां बाप की दुनिया भी बनानी है ते इंशाल्लाह आखरत भी। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का यार अबू हुरैरा अल्लाह के नबी अलैहि सलाम दे कोल आया आके आंदे सोनिया मैं कलमा पढ़ ले अल्लाह दे घर अंदर पूरा यकीन है तुहाडे नाल जन्नत च जावांगा पर सुनिया मेरी मां ने कलमा नहीं पढ़िया मेरी मां ने कलमा नहीं पढ़िया मेनू डर लगदा है अल्लाह दे नबी मेनू डर लगदा है किते मेरी मां जहन्नम अंदर ना चली जाए। अल्लाह दे नबी जी दुआ कर दे ओ मुसलमानो मौलवियां कोलों अपने वास्ते दुआवां करवाने अपनी बीवी वास्ते दुआवां करवाने अपने बच्चियां वास्ते दुआवां कराने अपनियां भैणां भरावां वास्ते दुआवां कराने अपने कारोबार वास्ते दुआवां कराने अपने पेपरां वास्ते दुआवां कराने। ओए मुसलमानो कदी किसे मौलवी दा जाके तरला मारे मौलवी साहब दुआ कर दे मेरे अपा जान ने दाड़ी नहीं रखी अल्लाह उन्हां दा सीना दाड़ी नाल कट दे अपा जी नमाज नहीं पढ़ते अल्लाह पांच टाइम का नमाज ही बना दे अल्लाह मेरे अपा जी दियां सिगटां हुक्का छुड़ा दे अल्लाह मेरे वाले देन गलत बयानियां कर दे ने गाली गलोच कर दे ने अल्लाह मेरे वाले देन दी जुबान पाक कर दे। ओए साईवाल वालियो जिथे उन्हें दुनिया के बारे सोचना उन्हां दी आखरत के बारे भी सोचना अपने मां बाप का हमेशा ही तरला मारते रहना। अम्मी जी नमाज पढ़ लो अबू जी नमाज पढ़ लो अम्मी जी कुरान पढ़ लो अबू जी कुरान पढ़ लो अम्मा जी तस्बीह करिया करो अब्बा जी तस्बीह करिया करो छड़ो चुगलियां कीमतां झूठ बोलने अब्बा जी इन्हां दे अंदर कुछ नहीं जे पिया लोकां दीआं धीआं भैणां नूं डिस्कस करना छड़ दिओ। अल्लाह दे नबी करीम दा कलमा पढ़ने वालो मुसलमानो जिवें बचपन दे अंदर तेरी तरबीयत करदे रहे ने अज ओह तेरी तरबीयत दे मुस्तहिक ने। ओए अपने बच्चियां नूं टाइम देण वाले आ अपने कारोबार नूं टाइम देण वाले आ अपनी जॉब नूं टाइम देण वाले आ अपनी खिताबत नूं टाइम देण वाले आ अपनी बीवी नूं टाइम देण वाले आ अपने यारां वास्ते टाइम कढ़ण वाले आ अपने बुढ़े मां बाप वास्ते भी टाइम कढ़ लै अपने बुढ़े मां बाप वास्ते भी टाइम कढ़ लै दुआवां करिया कर ते दुआवां करवाया कर। साईवाल वाले अल्लाह की कसम जिहड़ा बंदा कसरत नाल अपनी अम्मी वास्ते अपने अबू वास्ते दुआवां मंगदा रहिंदा अल्लाह नूं कदी किसे दा मोहताज नहीं जे करदा अल्लाह नूं परेशानियां तों बचा लैंदा अल्लाह नूं टेंशनां तों बचा लैंदा। आइए जरा गौर कीजिए हजरत नूह अलैहि सलाम तों गल शुरू करां। ओ आदम पाप ते शीश बैठे नूह पाप किनान बैठे इब्राहिम पाप अल्लाह इस्माइल बैठे नबी याकूब पाप ते यूसुफ बैठे हजरत यूसुफ के गम अंदर नबी याकूब इन्ना रोए ने के रो रो के अखां दी बेनाई चली गई है। ओ साईवाल वाले फिर औलाद दी मोहब्बत वेखो औलाद दी खिच वेखो औलाद दी तड़प ते प्यार वेखो नबी बुढ़ा हो गए अखां दा नूर चला गया पर यूसुफ नू नहीं भुलदा आंदा मेरा यूसुफ एक दिन जरूर आएगा बाकी पुत्र कहने ने अबू जी दीवाने हो गए माज अल्लाह अल्लाह अकबर कदों दा यूसुफ टुर गया अबू जी छड़ दिओ आसा उम्मीदा पर नबी यकूब कहने ने ना 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 एक दिन मेरा पुत्र जरूर आएगा। मुसलमानो अजे पुत्र नहीं आया पुत्र दे जिस्म नाल लगी कमीज आई है अल्लाह ने बुढ़े बाप नूं अखां दा नूर अता कर दिता है। पता ये चलिया अल्लाह ने फितरती तौर ते औलाद ते बाप दा कनेक्शन जोड़िया है। पुत्र जिन्ना मर्दी नाफरमान होवे या बाप जिन्ना मर्दी गुनाहगार होवे आपस का कनेक्शन टूटदा। मैं मिसालां जानना जिउंदियां प्यो नूं कदी पुछिया नहीं बल्कि झिड़कां मारियां ने गालियां कढ़ियां ने मरण दी देर जनाजा चुकिया ते इधर होंदे ने बट्टू साहब जिवें पैर दे बाप दे पैर धो धो पींदे होण
जूंदिया नहीं पुछया पर जो मरे है फिर एहसास होया बाद अंदर रोन का फायदा उसी बोलियो बाद अंदर रोन का फायदा औलाद जिनी मर्जी ना फरमान हो नबी नूह दे पुत्र नालों ना फरमान तो कोई नहीं हो सकता। 950 साल तबलीकदार सह कले कले बंदे नूं दीन दी दावत देंदे रहे तरले मारते रहे मिन्नतां करते रहे कोई किसान हल चलांदे पिउंदे मगर भज भज के ला इलाहा इल्लल्लाह दी दावत देंदे रहे। मुसलमानों दुश्मना दे नाल सदा पुत्र रल गए जिथे बाकी मजाक करते ने पुत्र भी रल के मजाक कर दे। साईवाल वाले पता जे लोगी पत्थर मारन उनिया तकलीफा नहीं होंदिया खून का रिश्ता फुल भी गुस्से नाल मारे अल्लाह जानते दिल फट जांदे कलेजा जीवया जांदे जिगर जख्मी हो जांदे। नबी नूह दा पुत्र बाकियां नाल रल के ठट्ठा मजाक कर दे आंदा ए दूर दूर तक पानी का निशान कोई नहीं एक कश्ती किथे चलानी है किन्ने चलानी है ते जदों कश्ती बन गई है कश्ती बन गई है हजरत नूह अलैहि सलाम फरमाने ने पुत्रा अजे भी टाइम ही कश्ती चा जा तंदूरा ने पानी छड़ दिता आसमाना तो पानी बरस रहा है। अल्लाहु अकबर नबी नूह दा पुत्र की कहना है आंदा है कोई गल नहीं वह पहाड़ी ते चढ़ जावांगा केरा पानी इन्ना आ जाना है इधरों पानी दी छल आई है। नबी नूह दा पुत्र किनान गर्क हो गया लेकिन बाप दे दिल विचों अजे पुत्र दा प्यार नहीं मुका एंदा समाना वाले हाथ चुके ने ते रो के आंदे ने अल्लाह सोणिया मेरे पुत्र नू बचा लै मेरे पुत्र नू बचा लै। अल्लाह गुस्से दे अंदर कहने ने नू चुप कर जा जे हुण तू उस मुशरक वास्ते दुआ मंगी ते मैं नाराज हो जावांगा। पता चलिया पुत्र जिन्ना मर्जी ना फरमान होवे जिन्ना मर्जी ना फरमान होवे अल्लाह दी कसमे बाप दे दिल अंदरों मुहब्बत खत्म नहीं होंदिया। मेरे वार बटन दे करीब एक लाकर मैं नाम नहीं लेना उस गांव दा अल्लाह दी कसमे मेरे को मस्जिद दे अंदर दो नौजवान आए आके आंदे ने मौलाना ऐ भाई दा मसला ते सुनो मैं क्या सुना आंदा जी बड़ा परेशान हां बड़ा तंग दस्ता बड़े बड़े वजीफे कीते ने बड़े बड़े मौलवियां दियां तकरीरां करवाईयां ते सुनियां ने नमाज भी नहीं छड़दा ते पता नहीं की गल है कारी साहब जेड़ा रिश्ता वेखण आंदा है वेख के चले जांदे ने फिर जवाब दे देंदे ने कारी साहब मैं रात नू सोना मैनू डरौणियां खापा आंदियां ने मेरी रात दी नींद बर्बाद हो गई है। मैं क्या पढ़िया कर ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन आंदा होर दसो मैं क्या इस्तगफार करया कर आंदा होर दसो मैं क्या दुरूद पढ़िया कर आंदा होर दसो मैं क्या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़िया कर ओ 99 बीमारियां तो अल्लाह शफा देंदा जन्नत दे खजानियां जो खजाना है ते फिर रो के आंदे करी सब होर दसो मैं उंदर वेख के आख्या कीता कीऊ कीता कीऊ इन्ना कुछ पढ़न दे बाद भी तेनू चैन नहीं मिलिया कीता क्यों ते रो के आंदे कारी साहब मेरा बाप बड़ी सख्त तबीयत दा मालक सी बड़ी सख्त तबीयत दा मालक सी जदों दिल करना साडी मां नू मारना जदों दिल करना साडी मां दा सर फाड़ देना जदों दिल करना उनू पेकियां ते भेज देना असी जवान हो गए। ऐ पिछले दिना मेरे बाप ने चंद साल पहले दी गल मेरे बाप ने मेरी मां नू मारिया सिर फाड़िया असी जवान दो पुत्र रल के अपने बाप नू ढालिया जमीन ते लिटा के मारने जमीन ते लिटा के मारने आंदे मौलाना वो दिन जावे महीना दो महीने कई महीने गुजर गए ना साडे बाप ने सानू बुलाया ना असी अपने बाप नू बुलाया। एक दिन मैं घर दे विचों अल्लाह एक कमरे तो दूसरे कमरे अंदर चलावा ते मेरा बुढ़ा बाप चार पाई ते खामोश बैठा अचानक मैनू आवाज मारी आंदे पुत्रा कईआं दिनां बाद कईआं महीनियां बाद मेरे अप्पे ने आवाज मारी है मैं भी एक बारी हैरान हो
गया इतने मैनू बुला लेकिन कारी साहब शैतान ताल आ गया। मैं अपने आपे की गल नहीं सुनी, मैं वापसी लंघन लगा। मेरे बाप ने मेरा गुट फड़िया, मैं बाप का गुट छंड के परा मारिया। आंदे कारी साहब मेरा अपा रो पिया, दो दिन लंघे ने अपा मर गया। हुण मैं नुकरां च बह बह रोना वा, हाय मेरे बाप ने मेरे नाल की गल करनी है, मेरा बाप मेरे नाल केड़े दुखले फलोड़ना चाहता है, मेरा बाप मेरे नाल केड़ी सलाह करना चाहता है। हुण मेरा बाप टुर गया कारी साहब, मेरा दूजा बड़ा भरा जिन्हें मेरे नाल रल के बाप नू मारिया, आंदा कारी साहब कतल दे झूठे केस अंदर जेल विच ते मैं जदों दा बाप मरिया रात दी नींद नहीं लैके वेखी, जदों सोन लगना डरोनियां खाबा, कदी मेरे मगर पुलिस लगी है, मेरिया 40-50-60 मचा ने, मेरिया मचा मेनू मार दिया होंदिया ने, कर साहब डर के उठ पैना दोबारा अख नहीं लगती, बाप नू मार बैठा। हुण दसो की करा, मेरिया अखां भर आईया, मैं क्या मैं हुण तेनू की दसा की करे, हुण इक्को ही तरीका है रब्बिर हम हुमा। हाय हाय हाय, सब तो उच्चिया संगत ने यारो बाप दिया, जिस दी वजह तो मिल दिया जिंदगिया आप दिया। ओए बापुला वर्गे लाड तलासे लभदे नहीं, गमन जद बा पते मुड़के लभदे नहीं, गमन जद बा पते मुड़के लभदे नहीं। बाप दे सिर ते दियां मौजां मार दियां, बाप मरे ते पापियां भी नहीं ओ जान दियां। अपने वीरे अपने वीरे ओना दे आखे लगते नहीं, मुड़ जावन जद बाप ते मुड़के लभदे नहीं। बाप दी हल्ला शेरी शेर बना देंदी, कंड ते थापी मार दलेर बना देंदी। ओए बापू ना वर्गे प्यार तला से लभदे नहीं, मुड़ जावन जद बाप ते मुड़के लभदे नहीं। बाप मरण ते फिर वेले हो जांदे, जांदिया जांदिया खुले बूए तो हो जांदे। यारो कदी बाप गवाचे लभदे नहीं, जमण जद बाप ते मुड़के लभदे नहीं। ना सिर सारे जग विच जाके वेख लवो, नजरों दे विच नजरा पाके वेख लवो। ओए बाबू लावर गे लाड तला से, अल्लाह फरमाने ने वाका जहा रब का अल्लाह ताबुदू كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وكل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بڑیا کر اپنی نمازاں وچ رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
रब्बना गफिरली वली वालिदैया वलिल मुकमिनीन यौम यकूमुल हिसाब। हाय 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 हाय, अल्लाह दे नबी दा 3 साल दा पुत्र है, मेरे नबी मस्जिद नबवी दे अंदर ने सहाबी बचा बचाया आके आंदा सुनिया मेरे मां बाप कुर्बान जावन जरा जल्दी करो, इब्राहिम दिया आखिरी सां पियां चल दिया ने, मेरे नबी तेज तेज कदमा नाल अपने पुत्र का दीदार करने जा रहे ने। ओ दिया पुत्रा वाले ओ दिया पुत्रा वाले ओ मेरे नबी दे दिल ते की गुजरती होएगी, इंज 3 साल का पुत्र इब्राहिम मेरे नबी ने इंज करके उठाया, अल्लाह के नबी दिया अखा चो सारो कतारा सुचारी ने, इब्राहिम आखिरी सावा ले रहा है ते मेरे नबी रोह के आंदे ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरा नबी अपने पुत्र की जुदाई तो सिर्फ यही कह सके इन्ना लिल्लाहि। इत्थे लोगों नूं कहा जांदा है फलाने पीर ने रूहां मोड़ दित्तियां फलाने ने रूहां आया, मेरा नबी पुत्र नूं नहीं रोक सकिया, सारी दुनिया भी रल जाए किसे दी रूह मोड़ सकदी। अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम दी थोड़ी जी उम्र, अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम दुनिया ते आए बाप कोई नहीं, थोड़ी जी उम्र नानकियां तो वापस आ रहे ने ते अम्मी टर गईया अबवा दे मुकाम ते, मेरे मुस्तफा कदी इधर जाने ने कदी इधर जाने ने, ते अम्मा मीना लेटियां हुई आसमाना वाले अखा उठाइया ते रोई जानिया ने, अल्लाह सुनिया इंदी पैर भी कोई नहीं परा भी कोई नहीं बाप भी दुनिया पे कोई नहीं, अल्लाह मैं गिंदी सुपुर्द करके जावा, अल्लाह किन्ने वज़ुहा वल्लैली गिदा सजा मा वत्ता का रब्बुका मा कला वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिना लुगुला, मियां बिना तेनू पता ही नहीं मैं तेरे पुत्र नु किन्नियां शाना देनिया ने, नबी पाक दी इधर कदी इधर उम्मे ऐमन पकड़ लेनिया ने पुत्रा रुक जाओ अल्लाह अकबर रुक जाओ की पया करने नी अम्मी अहमन, मैं अपने अबू वास्ते किसे हकीम नु लब्बा किसे तबीब नु लब्बा, ते अम्मा मीना आवाज देके आंदियां ने वे पुत्रा हुण हकीमा दे चर नहीं चले मेरे सीने दरा मैनू ठंड पा दे, मेरे नबी पाक दी अम्मी दुनिया तो चलिया गईया निके निके हत्था नाल मेरे नबी कबर बनाई है, अपनी अम्मी नू उम्मे अमन दे नाल रल के कबर च उतारिया मट्टी डाली है, ते मेरे मुस्तफा अपनी मां दी कबर ते लेट जांदे ने, उम्मे अमन कहंदिया ने पुत्रा चल चलिए, मियां मां मैं नहीं जाना अपनी मां नू छड़ के नहीं जाना, मैं नहीं जाना अपनी मां नू छड़ के नहीं जाना, ओ कायनात वाले जिन्हां दियां जिंदा ने कदर कर लो जिन्हां दियां जिंदा ने कदर कर लो जिन्हां दियां जिंदा ने तू हवा लै लो जिन्हां दियां जिंदा ने रात नू पैर चुमिया कर सुती मां दे पोसे लिया कर मां दी जुत्ती नू सीने नाल लाया कर अपने बाप दे हाथ पैर चुमिया कर, ओ लोको अल्लाह की कसम उठा के कहना लोगी बड़े बड़े दावे करते ने कोई गल नहीं मां तुर गई है, मैं मासी ते है वा मैं चाची ते है वा मैं पुत्तो ते है वा, अल्लाह की कसम कोई भी मां का प्यार दे सकदा। रुलते फिरते ने मैं लाहौर जेल अंदर, अल्लाह दी कसम एक छोटी जी बच्ची ने रोजा जाना हवालात च पैरों नंगी है फटे पुराने कपड़े, ते जो मैं वेखा मेरा कलेजा चीरिया जाए मैं अपनी धी याद आ जाए, मैं एक दिन पूछ लिया पुलिस वाले नु मैं क्या इन्हें मां प्यो देखा नीवियां करके आंदा कर साहब मैं इनकी मां इना प्यो है, कुतुआ 3 महीनिया जी इसको सड़क पर छड़ गया, एडी सोहनी वो बच्ची मैं क्या रही कि भजी फिर थले सौ सुना मंग मूंग के खा ले चढ़ चन्ना ते कर रुशनाई तेरा जिक्र करिंदे
तारे चढ़ चन्ना ते कर रुशनाई तेरा हुस्न बदेंदे तारे गलिया दे विच ओ फिरन नु माने गलिया दे विच मां तो बगैर कोनी जे संभालदा बाप तो पीछे कोनी जे संभालदा गलिया दे विच फिरन नु माने ओए लाला दे फंजारे शाला मुसाफिर कोई ना थी वे ओए शाला मुसाफिर कोई ना थी वे इते कख जिना तो पारे ताड़ी मार उदाना सानो असया पे उठण एक भाई दस रहा सी पुत्र मुल्कों पहारे बीवी फोन करके आंदी है खामद नू या मैनू रख या बुढ़ी मां नू रख ए बेईमान पुत्र परों आया सर्दी दियां ठरदियां रातां मां ते बीवी दी लड़ाई हो गई ते बुढ़ी आंदी है मैं रवांगी या मां रवेगी इस बदबख्त ने तके दे के मां नू बाहर कढ़ दिता फजर तो बाद लोकी दरवाजा खड़काने ने दरवाजा खोल तेरी बुढ़ी मां तेरिया पौड़िया ते मरी पई है बाप मरे ओए सिर नंगा होवे इते वीर मरण ओए बेड़ा बेला मां मरे ते मोहम्मद बख्शा अते मुक जांदा जे मिला बाप मरे ते शर्मिंदा होवे इते वीर मरण कंध खाली मां मरे ते मोहम्मद बख्शा अते कौन करे रखवाली वीर बिना दे दर्दी होंदे इते वीर ना पावा शाला मरण नवीर किसे दे शाला मरण नवीर किसे दे तू ना होण नु मानिया भेणा जिस भेण दा वीर ना कोई उस की दुनिया अल्लाह दी इज्जत दी कसम मां तो बाद औरत जात सब नालों ज्यादा तेरी भैण तेरे नाल प्यार करदी और ओही तेरे नाल वफा करन वाली शाला मरण न वीर किसे दे भुखियां मर जांदियां ने पर हिस्सा नहीं मंगदियां किते मेरे वीर दा नाता मेरे नाल ना टुट जाए शाला मरण न वीर किसे दे छोटे भरा ते लख ऐब वेंदियां ने पर लोकां सामने कसमां चुक चुक पा अपने वीर नूं पाप खर देंदियां ने शाला मरण न वीर किसे दे तिना होण नु मानिया भेणा जिस भेण दा वीर न कोई उसकी दुनिया तो लैणा वीर वीरा दिया पावा होंदे अल्लाह वीर वीरा दे दर्दी होंदे इते वीर वीरा दिया पावा बाप सिरा दे ताज मुहम्मद इते मावा ठनिया छावा ना कर पंदिया मेरी मेरी ना तेरी अल्लाह
अल्लाह की कसम में अपनी अखा न वेखे है मुल्तान वाली शहर से कोई इलाका है सड़क के उत्ते सड़क के किनारे ते दो जुड़वा कबर बिलकुल नाल जुड़िया जुड़िया रियाज नहीं गया उतर के पूछ लिया वे सड़क के किनारे कबर क्यों बनाईया ने आंदे ने जी दो सगे भरा सन जमीन तो लड़ पे ने एक दूजे नू दवा मार दिता है जिथे मरे ने मां प्यो उठे कबर बना दिखा जिड़ी जमीन तो लड़ते सन उठे कबर बन दया ना कर बंदिया मेरी मेरी ना मेरी ना तेरी चार दिना दा मेला ही सजना फिर मटी तेरी सदा ना पागी बुलबुल बोले ते सदा ना पा बहारा सदा ना मापे हुसन जवानी ते सदा ना सोफत यार ले ओ यार हवाले रब दे ते मिले चार दिना दे उस दिन ईद मुबारक हो सी उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर चढ़ चन्ना कर रोशनाई तेरा जिक्र करें दे तारे गलिया दे विच फिरन नुमाने लाला दे वंजारे शाला मुसाफिर कोई ना थी वे इते कख जिना अल्लाह मां जान दी देरे सोने अर्गा पुत्र कखार का हो जाता है बाप मरण दी देरे अल्लाह जिन्हां दियां जिंदा ने जिन्हां दे जिंदा ने डीपू ने डीपू डीपू दुआवां दे लोकां दे तरले मारना फिरना कदी किसे कोल कदी किसे कोल बुढ़ी मां बुढ़ा बाप अल्लाह की कसम औलाद वास्ते सब नालों वड्डा वली मां ते बाप है सब नालों वड्डा पीर मां ते प्यो जाओ दुनिया का को पीर को मौलवी फकीर लियाओ जिंदे बारे तुसीं दावा करो कि दुआ करे ते अल्लाह रद्द नहीं करता है कोई कोई नहीं पर तेरी मां ते तेरा अबू खुदा की कसम तेरे वास्ते दुआ करन ते अल्लाह रद्द करदा अल्लाह दे नबी ने रखी करवा दुआवा एडिया गूड़िया जग ते छावा लभदिया नहीं तुर जामण इक बार ते मावा लभदिया नहीं तुर जामण इक बार ते मावा लभदिया नहीं पुत्र पावे सारे जहान तो मंदे ने पर मां प्यो आखण सारे जंग तो चंगे ने फिर किसे तो इंज वफावा लभदिया नहीं तुर जावण चल पा तुर जावण इक वार ते मावा लभदिया नहीं मूं चो मंदा बोल जे निकले टोक दिया चंगी माड़ी थाव तो मावा रोक दिया ओए मुफ्त चवेटिया नेक सलावा लभदिया नहीं तुर जावण इक बार ते मावा लभदिया नहीं माता यारो एक दिन भी छोड़ा सेड़ाए आपे डिगना आपे उठना पैना ओए बिस्मिल्ला पुत बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला पुत बिस्मिल्ला दिया फेर सदावा अल्लाह फरमांदे ने वाकुर रब रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीर
कुछ बयान किया है अमल की तौफीक दे दे दौरान गुफ्तगू को गलती होगी तो अल्लाह मुआफ फरमा जिन्हों की अम्मी अबू जिंदा ने या अल्लाह कदर करन दी तौफीक दे मेरे अबू जान बीमार ने अल्लाह मुकम्मल शिफाए कामला अगला अता फरमा मेरे भाई मोहम्मद वसीम बट्टू साहब के वालिदैन ते अल्लाह रहमत नज़ूल फरमा अल्लाह के नबी फरमाते ने जिहड़ा बंदा अपने पाओ टखने नंगे नहीं रखता कयामत वाले दिन अल्लाह नू रहमत की नजर ना नहीं वेखी तकबर की निशानी है पेंट हो गए चादर हो गए तो भावें शलवार हो गए जिहड़ा